नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी लोगों को हम भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारियाँ आप सभी लोगों के बीच लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन इस हमारे चैनल के इस प्रोग्राम एक प्रोग्राम है भोजपुरी दंगल, जिसमें आप सभी लोगों को हम इंडस्ट्री के स्टार के बारे में तो जानकारियां देते ही हैं, उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी जानकारियां देते हैं, तो कई बार आप सभी लोगों को बिहार पूर्वांचल के इतिहास के साथ जुड़ी, उनकी धरोहर के साथ जुड़ी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव को लेकर। खेसारी लाल यादव के साथ जो घटना भी घटी है, जिस तरह से इस घटना पे जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को लेकर के चर्चाएं हुई है, वो वाकई में हर किसी को हैरान करने वाली है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ी इस खास खबर पर हम अपडेट आप सभी लोगों को पहुँचा रहे थे और लगातार हम आप लोगों को अपडेट दे रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। बात करते हैं शुरुआत से, तो शुरुआत में खेसारी लाल यादव का 27 हर बार की तरह उनका 27 अक्टूबर की शाम वैशाली हाजीपुर में स्टेज शो होना था। शाम को खेसारी लाल यादव उस स्टेज शो में पहुंचे। खेसारी लाल यादव ने वहां पर गाना गाने की शुरुआत ही शायद की थी या गाना गाने पर वो स्टेज पर गए ही थे कि अचानक से वहां पर स्टेज की लाइट काट दी गई, जनरेटर बंद कर दिया गया और खेसारी लाल यादव को लेकर के काफ़ी वहां पर खेसारी लाल यादव के नाम को लेकर के वहां पर उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। किसी तरीके से बच बचाव के खेसारी लाल यादव वहां से निकले। वहां पर उसके बाद निकलने के बाद करीबन 24 घंटे के बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए। खेसारी लाल यादव जब लाइव आए 24 घंटे के बाद, तो उन्होंने अपनी सारी आप बीती उस रात की बताई कि किस तरह से लोग उनके गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे थे, जिसमें कई लोगों घायल भी हुए, कई लोगों को चोटें भी लगी और कई लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें पुलिसकर्मी भी उनमें शामिल थे जो लोग वहाँ पर घायल हुए थे। और देखा जाए तो उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, वीडियो आए, कई लोगों ने खेसारी का समर्थन किया। लेकिन इन पूरे मामले में जो एक तरफ से जो चुप्पी साधी रही थी वो था प्रशासन। लगातार हम अपने इस प्रोग्राम में, लगातार हम अपने चैनल में प्रशासन पर ये कटाक्ष करते रहे हैं कि क्या इतने बड़े इंडस्ट्री के, जी हाँ, सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री को, करीबन भोजपुरी भाषा की बात करें तो 35 करोड़ लगभग लोग हैं जो भोजपुरी भाषा को बोलते हैं, बिहार पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन उसी में से कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव काफ़ी फेमस हैं। उनकी देखा जाए तो इंडस्ट्री को लेकर के खेसारी उन टॉप हीरो में उनका नाम शामिल होता है जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद उन पर कोई भी प्रशासन की सुरक्षा नहीं, उनकी तरफ से उस स्टेज शो में कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं और ना ही उस तरीके का कोई इंतज़ाम किया गया था। अगर जो इंतज़ाम होता तो शायद ये घटना थोड़ी कम, जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है वो थोड़ा कम होता, लोगों को चोटें कम आती, लोग शायद ऐसा कुछ करते भी नहीं। लेकिन इस बात को लेकर खुद खेसारी लाल यादव ने भी अपने वीडियो में कहा कि मुझे सुरक्षा चाहिए, और उसके बावजूद भी इतने समय होने के बाद, करीबन आज 5 दिन बीत गए थे, अभी तक देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई भी बयानबाजी, किसी ना राज्य सरकार की तरफ से आ रहा था कोई बयान और ना ही लोकल जो वहाँ पे वहाँ की प्रशासन है उनकी तरफ से। लेकिन अचानक से कल एक खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो अपडेट की और फोटो में अभिमन्यु थे, जो कि पूर्वांचल के नेताओं में से एक माने जाते हैं और वो इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हैं, और वो मिलते हुए नज़र आए राजनाथ सिंह। जी हाँ, भाजपा सरकार की तरफ से केंद्र मंत्री हैं वो, और देखा जाए तो उनके साथ बैठक करना, उनके साथ बातचीत करना और खेसारी लाल यादव के साथ खेसारी लाल यादव का इस फोटो को शेयर करना बहुत कुछ दर्शाता है। इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नज़र आपको इस पे हम दौड़ा दें कि जिस दिन खेसारी लाल यादव पे हमला हुआ उसके अगले दिन खेसारी के जो फैन थे उन्होंने 31 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया था। बिहार बंद का ऐलान हुआ, उसके बाद 31 तारीख को कई जगह पर बिहार बंद का जो प्रदर्शन था, जो उनके फैन का प्रदर्शन था, वो नज़र भी आया और
उसके बाद ये फोटो अपडेट हुई और जिस समय पर प्रदर्शन हो रहा था उस समय पर उनके स्टार्स की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये अपडेट आ रहा था जिनमें उनका कहना था कि खेसारी लाल यादव के जो फैन हैं उनका कहना था कि उनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला मांग था सुधीर सिंह का गिरफ्तार होना। जी हाँ, उनके फैंस का ऐसा मानना था कि हमला सुधीर सिंह ने करवाया है और उनको गिरफ्तार किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। और उनकी दूसरी डिमांड थी, उसमें सबसे जो खास थी, कि बिहार में सेंसर बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन देखा जाए तो भले ही अभी तक सुधीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पे खबर जैसी आई है उसके मुताबिक कि इस पे अब जांच शुरू हो चुकी है, सरकार जो है एक्शन में आ चुकी है और इसीलिए राजनाथ सिंह के साथ ये तस्वीर वायरल हुई थी। और अब खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुधीर सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है और शायद उन पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों, अभी क्या खेसारी लाल यादव की तरफ से बयान आता है, क्या सरकार की तरफ से बयान आता है, क्या इतने ज़्यादा कुछ हो जाने के बाद क्या अब बिहार सरकार की तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ खास मिल पाता है या नहीं, या कुछ खास इंडस्ट्री के लिए वो बिहार सरकार करती है या फिर नहीं, इस पर भी हम ऑब्वियसली बातें नज़र बनाए रखेंगे। और आप सभी लोगों को ऐसे ही खास मुद्दों से जुड़ी खास जानकारियाँ आप सभी लोगों को अपडेट करवाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।